देखो दोस्त, मूवी किल एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, नो डाउट बेस्ड ऑन फिक्शनल स्टोरी। ये 2023 की मूवी है जो मल्टीपल प्रीमियर में इसे दिखाया गया है, जैसे कि ट्राइबिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इस मूवी को अब ऑफिशियली थिएटरली रिलीज कर दिया गया है 5 जुलाई 2024 को। तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन है इसके प्रति, वो हम देखेंगे। सो लेट्स ब्रेक डाउन मूवी किल। एक ऐसा ब्रूटल मूवी जिसे देखने के लिए दिल काफी मजबूत होना चाहिए। प्योर एक्शन थ्रिलर मूवी, ए रेटेड मूवी फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। और इसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन लिटरली बहुत डेंजर था बॉस, लेकिन बाकियों का हालत हद से ज्यादा टाइट था। ये मूवी उनके लिए भयानक होगी जिन्होंने द ग्रेट इन्फेनो, रॉ, एविल डेड राइज जैसी मूवी ना देखी हो। जिन्होंने ये सारी मूवी देखा है उसके लिए मेरे ख्याल से ये मूवी बच्चा साबित होने वाली है। स्टारिंग निखिल, राघव, हर्ष, आशीष, तानिया। डायरेक्टेड बाय निखिल नागेश भट्ट, जिन्होंने भाई साहब लिटरली भयानक लेवल का डायरेक्शन दिया। प्रोड्यूसर करण जौहर, मतलब धर्मा प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड बजट 15 करोड़ है। ऑफिशियली इसका कोई बजट भाई साहब है ही नहीं कितना है, लेकिन हाँ अब तक अगर बॉक्स ऑफिस रिवेन्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो 15.5 करोड़ इसने अब तक कमा लिया है। देखो ये मूवी थोड़ा स्नो पीसर और बुलेट ट्रेन जैसी वाइब देती है, बिकॉज वो दोनों में भी थ्रिलर था और इसमें भी प्योर थ्रिलर है। मतलब भाई साहब ये मूवी हर जगह से दिल छूते हुए आपको दिखेगी। सो स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग मूवी फास्ट है, तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। टोटली चार्जेबल एंड एनर्जेटिक मूवी, ऑडियंस को लिटरली फील आता है बॉस। एक सेकंड भी ऐसा वैसा नहीं लगेगा कि आप यहां वहां देख सको, मतलब अपनी और ये मूवी खींचने में कामयाब रहती है। कोई सस्पेंस नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है और कोई टर्न्स नहीं है, सिर्फ एक चीज है, ओनली ब्रूटैलिटी और एक्शन थ्रिलर। इंटरवल तक मूवी का प्लॉट, स्ट्रक्चर, कहानी को अच्छे से रिवील कर दिया जाता है और यहां से ब्रूटैलिटी की शुरुआत होती है। सेकेंड हाफ में बदले को अंजाम दिया जाता है, 4 के बदले 40 को जहन्नुम पहुंचाया जाता है। वहीं बोरिंग सीक्वेंस, म्यूजिक और स्टार्टेड सीन, उसके अलावा सब कुछ बवाल है। अट्रैक्टिव एंड शॉकिंग सीक्वेंस जब एक विलन को जिंदा जला दिया जाता है और एक बॉडी बिल्डर के टकले के अंदर पूरा हथौड़ा घुसा दिया जाता है, वो भी आम नागरिकों के द्वारा, लगभग सीनियर सिटीजन, वो भी महिलाएं, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। तो चलिए समझते हैं कहानी क्या है। तो कहानी काफी सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं कहानी को 5 हिस्सों में बांट दूं तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कहानी में हीरो जो कि एनएसजी कमांडो है, हीरोइन, हीरोइन की फैमिली, डाकू और ट्रेन। तो गाइस चलिए कहानी को सिस्टमैटिक समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एनएसजी कमांडो से, और हीरोइन जो उसका बाप जो रहता है वो बहुत बड़ा दिग्गज है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और झारखंड में उसकी बहुत पहचान है, चाहे तो कि पॉलिटिक्स में हो या हर जगह पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे उसका हीरोइन का बाप है, इसकी मंगनी अलग जगह पे सिलेक्ट कर देता है और इंगेज्ड भी ये लोग हो जाते हैं, इस हीरोइन का इंगेजमेंट हो जाता है। अब हीरो जा पहुँचता है झारखंड रांची लड़की को भगाने के लिए, लेकिन लड़की दिमागदार थी, मना कर दी। और उसके बाद हीरोइन और हीरोइन के फैमिली दिल्ली ट्रैवल कर रही थी थ्रू ट्रेन, लेकिन हीरोइन इस बात से अनजान थे कि हीरो भी इसी ट्रेन में है। बाद में ट्रेन में चढ़ते हैं डाकू, ओरिजिनल डाकू, और उसके बाद सबको लूटने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि दोनों एनएसजी कमांडो भी ट्रेन में ही थे तो वो लोग शांत कैसे बैठे। और उसके बाद जो तहलका मचता है, जिस हिसाब से हमें इमोशन नजर आता है, जिस हिसाब से हमें एग्रेशन नजर आता है, भाई साहब लिटरली वो देखने वाली चीज थी। मतलब ऑडियंस तो भाई साहब चार्ज हो गई थी। कोई आंख में चाकू डाल दे रहा है, कोई सिर के अंदर चाकू डाल दे रहा है, कोई सिर के भाई मुंह में पेट्रोल डाल के मुंह को जला दे रहा है। मतलब भयानक लेवल का एक्सपीरियंस दे रहा था भाई। तो गाइस अब अगर बात करें एक्टरों का एक्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो लिटरली गिविंग इनक्रेडिबल लेवल ऑफ वाइब, खास करके ये राघव का। मुझे लग रहा था इसे एज अ साइड कैरेक्टर लेते हैं बाकी मूवी में, तो इसमें भी एज अ साइड कैरेक्टर दिखता रहेगा, सिर्फ कॉमेडी के लिए दिखता रहेगा, लेकिन इस मूवी में ये ओरिजिनल विलन है। और जिस हिसाब से इसका एक्सेंट है, जिस हिसाब से इसका डायलॉग डिलीवरी है, वो लिटरली सही लेवल का वाइब दे रहा था। और लास्ट में इस बेचारे का भी हालत बहुत खराब होता है और ये भी मर जाता है। सो गाइज अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूँ तो ऑल ओवर लोगों का, एक्टरों का एक्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और सही लेवल की वाइब दे रही। अब बात करते हैं क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सर्वाइव कर पाएगी। तो अभी कर ले लगभग 5 तारीख से आज 11 तारीख हो गया है, तो एक 5-6 दिन हो गया इस मूवी को रिलीज हुए हुए और मात्र 15.5 करोड़ कमाई है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस मूवी का कहीं पे भी प्रमोशन नहीं हुआ था, इस मूवी का ट्रेलर आया और अब मूवी आ गया और अभी पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है कल्कि। हर जगह पे कल्कि का क्रेज चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कल्कि के सामने इतना लो बजट ये मूवी सर्वाइव कर पाएगी। ऐसा नहीं बोल रहा कि इस मूवी में भाई साहब पोटेंशियल नहीं है, लेकिन कल्कि एक अलग लेवल पर ही चल रही है, तो कल्कि के सामने सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। अगर बॉस 1 लाइन रिव्यू करूं तो टोटली इनक्रेडिबल मूवी, भयंकर मूवी,
और अगर वहीं मैं बात करूं कि ए मूवी क्या सोसाइटी को कुछ मैसेज दे रही है, तो वहीं आपको कुछ मैसेज नहीं दे रही है, सिर्फ ए मूवी एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपका दिल मजबूत है, अगर आपको खून खराबा पसंद है, अगर आपको मारा पीटी पसंद है, तो आप ये मूवी जरूर देखें। सो हो गया, इस वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।